वेलकम टू मुंबई फिल्म सिटी। दादा साहेब फाड़के चित्र नगरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। व्यूअर्स, कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बाद में वीडियो को फुल स्क्रीन कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आप सभी को गोकुलधाम सोसाइटी घूमने ले जा रहा हूँ। सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी नहीं, इसके अलावा आपको एक लाइव शूटिंग भी दिखाऊंगा, बागबान मूवी का पूरा सेट भी दिखाऊंगा एंड एक ऐसा मंदिर जहां पे आप जिस भी प्रभु को रखोगे उसका मंदिर हो जाएगा एंड कई सारे मुंबई फिल्म सिटी के फैक्ट वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। थोड़ी सी मेरी इन्फॉर्मेशन दे दूं तो मैं ट्रायल आज 3 दिन मुंबई घूमने आया हूँ एंड कई सारी प्लेस मैंने एक्सप्लोर की है। सभी के वीडियो टर्न बाय टर्न अभी मेरी चैनल पे आ रहे हैं, तो सभी वीडियो देखना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर मुंबई फिल्म सिटी का। ड्यू टू पावरफुल सिक्योरिटी आप मुंबई फिल्म सिटी के अंदर व्लॉगिंग तो नहीं कर सकते, बट कई सारे वीडियो मैंने शूट किए है जिसकी मदद से आज मैं पूरा फिल्म सिटी आपके सामने एक्सप्लोर करने वाला हूँ। दोस्तों, आपके सामने है बागबान मूवी का पूरा सेट, अमिताभ बच्चन की फेमस मूवी बागबान आप सभी ने देखी होगी, बहुत ही बड़ा घर उसमें दिखाते हैं जो आज भी यहाँ पे रखा हुआ है सभी विजिटर्स को देखने के लिए। तो चलिए अंदर जाके बन मूवी का पूरा घर देखते हैं एंड जब हम अभी डोर ओपन करेंगे तब चीज कुछ और ही हमें दिखने वाली है। ये क्या, पीछे तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक वॉल आ जाती है। 2 पर्सन भी अच्छी तरह से अंदर खड़े नहीं हो सकते, उतनी कम स्पेस है। दोस्तों, फिल्मी दुनिया कुछ ऐसी होती है, आपको दिखाते हैं कुछ और, होता है कुछ और, क्योंकि अंदर का पूरा शूटिंग यहाँ पे नहीं हुआ था, इसके लिए कोई अलग प्लेस डिसाइड की गई थी। चलिए दोस्तों, अब आपको एक ऐसा मंदिर दिखाता हूँ जहाँ पे आप अंदर चप्पल पहन के भी जा सकते हो, क्योंकि अंदर कोई भगवान ही नहीं है। जब भी कोई फिल्म या सीरियल में भगवान के मंदिर का शूटिंग आता है तब जिस भी भगवान की ज़रूरत होती है उसको यहाँ पे लाके रख दिया जाता है एंड पूरा मंदिर बना दिया जाता है। फिर से काम ख़त्म हो जाने के बाद भगवान को यहाँ से ले लिया जाता है, क्योंकि इस सेट का भी प्राइस होता है, आपको चार्ज देना पड़ता है इस सेट को भी रेंट पर रखने के लिए। यानी कि टीवी एंड बिग स्क्रीन पर आपको जो मंदिर दिखता है वो भी ओरिजिनल नहीं होता है एंड हम कई सारी मन्नत एंड ख्वाहिशें उस मंदिर के सामने रख देते हैं। कोई बात नहीं, वो तो भगवान है, वो तो आपकी सुनी लेंगे, चाहे ओरिजिनल मंदिर हो या डुप्लीकेट मंदिर हो। चलिए अब आपको एक लाइव शूटिंग दिखाता हूँ एंड मुंबई फिल्म सिटी का एक ऐसा फैक्ट बताता हूँ जिसे सुनकर आप शॉक हो जाओगे। मुंबई फिल्म सिटी में जितने भी लाइव शूटिंग चलते हैं वो सभी सेट को बाहर से कवर कर दिया है, यानी कि आम पब्लिक उन्हें अच्छी तरह से नहीं देख सकती, बट कई बार रास्ते पे या आउटर साइड जो शूटिंग होता है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक मराठी सीरियल का शूटिंग चल रहा था जिसका थोड़ा सा व्यू मुझे वहाँ पे देखने के लिए मिला, जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आप फिल्म सिटी में जितने भी सेट देखोगे उसके बाहर एक प्लेट पे आपको थू 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 ऐसा लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। इस चीज का रीजन कुछ अजीब ही है, कोई भी फिल्म निर्माता या सीरियल निर्माता उसकी सीरियल या फिल्म को किसी की नजर ना लगे इसके लिए बाहर थू 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 ऐसा लिखाते हैं, है ना अजीब बात। एंड ये चीज आपको सभी फिल्म सेट के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा ये थू 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 का कोई और भी रीजन आपको पता है तो कॉमेंट करना मत भूलना, आई विल वेट योर कॉमेंट। आप मेरा वीडियो देखकर बोर हो रहे हो एंड बोर होते होते आपने मेरे ऊपर पुलिस केस कर दिया है, तो चलिए अब हम कोर्ट में चलते हैं, बट ये कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ मूवी का शूटिंग होगा। ये कोर्ट आपने जोली एलएलबी में भी देखी होगी, इसके अलावा तारक मेहता के एपिसोड में भी इस कोर्ट का यूज किया गया था एंड ये फोटो देखकर आपको मुन्ना भाई MBBS याद आ गया होगा। आई होप मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपकी लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। मुंबई फिल्म सिटी का निर्माण 1977 में हुआ था जो पूरी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। हमारे फर्स्ट मूवी प्रोड्यूसर दादा साहेब फाड़के के नाम के ऊपर उसे दादा साहेब फाड़के चित्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अभी दादा साहेब फाड़के ने पहली
कौन सी इंडियन मूवीज रिलीज की थी उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। एंड जो व्यूअर सबसे पहले कमेंट करेगा उसकी कमेंट को मैं पिन करूंगा वीडियो में। यहाँ पे KBC तो कपिल शर्मा शो एंड ऐसे कई सारे रियलिटी शो चलते रहते हैं जिसमें आप भी पार्टिसिपेट हो सकते हो। आपको 400 रुपीज पूरे दिन के दिए जाएंगे, इसके साथ शायद खाना भी आपको दिया जाएगा। आपको सिर्फ बैठे बैठे तालियां बजानी है, आपके सामने रियलिटी शो का शूटिंग होगा। सो आप मुंबई या आसपास रहते हो तो इसका एंजॉयमेंट आपको लेना ही चाहिए। आपको शूटिंग भी देखने के लिए मिल जाएगा, कपिल सर से मिलना भी हो जाएगा एंड आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। चलिए अब जाते हैं गोकुलधाम सोसाइटी देखने के लिए जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तारक मेहता की शूटिंग देखने के लिए डेली हजारों लोग आते थे, सो शूटिंग में बहुत ही दिक्कत होती थी। सो प्रोड्यूसर ने पूरा सेट बाहर से कवर कर दिया है, यानी कि आपको अच्छी तरह से देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट ऐसी कई सारी प्लेस उन्होंने छोड़ी है, वहां से आप गोकुलधाम सोसाइटी अच्छी तरह से देख सकते हो। वो सभी प्लेस मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। टप्पू सेना जहाँ पे खेलती है एंड बबीता जी जहाँ पे योगा करते हैं वो गार्डन भी अभी आपके सामने दिख रहा है। फिर से बोर्ड दोस्तों, ये थी मेरी मुंबई फिल्म सिटी की पूरी टूर। मुंबई फिल्म सिटी टूरिज्म वाले ये टूर करवाते हैं, पर पर्सन 500 रुपीज चार्ज रहता है। एक आपको बस प्रोवाइड की जाती है जिसमें 15 से 20 बंदे होते हैं आपके जैसे टूरिस्टर विजिटर, एंड इसके साथ एक आपको गाइड भी दिया जाता है जो आपको मुंबई फिल्म सिटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है। हमारे गाइड बहुत ही अच्छे एंड कॉमेडी मिजाजी थे जिन्होंने कई सारे अभिनेता एंड अभिनेत्री की आवाज़ निकाली थी जो मुझे बहुत ही पसंद आई थी। उसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है जो इसके बाद वाला वीडियो आपको कल मिलेगा, वो उसके ऊपर ही है, तो वो वीडियो देखना भी मत भूलना। 100% आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको उसमें भी बहुत ही एंजॉयमेंट मिलेगा। लिंक ऊपर आई बटन पर आ रही होगी, इसके अलावा भी एंड स्क्रीन पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो ये मुंबई फिल्म सिटी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, आपका दिन शुभ रहे। क्रिचेस का बहुत सारा एपिसोड देखा होगा, उसमें 3 हीरो की आवाज़ होती है। उसमें मैंने 2-3 बार जो है डबिंग की थी, जैसे हॉगी एंड कॉकरोचेस में 3 हीरो की आवाज़ होती है। वड्डा वड्डा मेरी बात मान, उधर से मत जा, तुझे बम से उड़ाने की साजिश है। मेरे भाई मेरी बात ही मानेगा, रुक जा मुन्ना क्या कर रहा है। भैया भैया मुझे मत रोको, किरण मेरा वेट करिए, मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, रुक जा मुन्ना क्या कर रहा है। तब तक बम फटता है और नाना पाटकर बोलते हैं, लगता है मुन्ने की लग गई, अच्छा है। ऐसे करके डबिंग करते हैं हम लोग। यहाँ तो एक नॉर्मल माइक है, बहुत सारी मशीनरी होती है जिसमें आवाज़ें। बसंती आपने बहुत अच्छा निकाला था। 5 अच्छा लास्ट सर, अरे ओ सांभा बसंती, डायलॉग ही बोल देता हूँ पूरा। बसंती इन कुत्तों के सामने मत।